आप सभी को मेरा प्रणाम। गर्भावस्था के समय हर स्त्री को बहुत ही धार्मिक रहने को कहा जाता है। मंत्रों का जाप, गीता रामायण का पाठ करने की सलाह दी जाती है और मुझे लगता है कि यह सब करना भी चाहिए, क्योंकि यह संतान के विकास के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। पर उसमें कई बार घर के बड़े या कुछ लोग स्त्री को देव स्पर्श या देव पूजन करने के लिए मना करते हैं, तो आज मैं आपको उसी के कारण समझाती हूँ। और इसके लिए सबसे पहले हमारे शास्त्र में इस बारे में क्या लिखा है वह बताती हूँ। हमारे शास्त्र आहनिक सूत्रावली में इसके बारे में एक श्लोक दिया गया है। उसमें कहा गया है, मासे श्रष्टे सप्तमे वा अष्टमे वा प्राप्ते पत्निया नेव कुर्यात कदाचित होमम यानम देव यात्राया तथेव तस्मा हस्ते नाशनम विप्र पुण्यम। इस श्लोक के अनुसार अर्थात जब भी कोई स्त्री छठे महीने में प्रवेश करती है तो उसे होम आदि कार्य, यात्रा का कार्य, किसी वाहन पर चढ़ने का कार्य और देव स्पर्श जैसे कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसके अर्थ में बताया है कि जब कोई स्त्री पांचवा महीना पूर्ण कर छठे महीने में प्रवेश करती है, उस समय वह गर्भवती स्त्री शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाती है, इसलिए उन्हें देव पूजन जैसे कार्यों को वर्जित बताया है। मुझे लगता है हमें इस श्लोक के अर्थ से ज्यादा इसके भाव पर ध्यान देना चाहिए। पहले की स्त्रियां बहुत धार्मिक स्वभाव की होती थी। वे नित्य मंदिर जाना जैसे कार्य कभी भी नहीं टालती थी। वहीं पहले कई मंदिर ऊपर पहाड़ों पर होते थे या उनके जाने का रास्ता सुगम नहीं होता था। वहीं होम आदि कार्यों में भी बहुत लंबे समय तक बिना खाए पिए बैठे रहना होता था। इसीलिए हमारे शास्त्र के माध्यम से गर्भवती स्त्री को रोका गया ताकि अंतिम महीनों में वह ऐसी कोई रिस्क ना ले और अपने शरीर का व अपनी संतान का मुख्य ख्याल रखे। इसलिए मुझे लगता है कि गर्भवती स्त्री अपने घर पर छठे महीने के बाद भी नित्य पूजन उपासना का क्रम कर सकती है। देखिए, मैंने आपको शास्त्रों में लिखी बात भी बता दी और अपनी समझ के अनुसार उसको क्यों कहा होगा वह भी बता दिया। अब अंतिम निर्णय आप अपनी समझ और अपने परिवार की सहमति से ले सकती है। आशा करती हूँ यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। और भी हमारे शास्त्रों से जुड़े अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।